हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द सेकेंड वाइफ लजीज खाना पर। आज मैं मुगलई एक करी बनाने जा रही हूँ। वो मेरा खुद का रेसिपी है, अपने तरीके से बनाने जा रही हूँ। देखिए मेरे रेसिपी को। मैं दो प्याज स्लाइस करके रख चुकी हूँ, इसे गोल्डन ब्राउन भून लूँगी और निकाल लूँगी। ये मैं निकाल चुकी हूँ, ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। ठंडा हो जाने के बाद में इसको दही से पीस लेंगे। एक गरम मसाला और दालचीनी वगैरह, ये सारे गरम मसाले हैं मिर्च के साथ, इसको भी थोड़ा सा भून करके पीस लूँगी। ये पेस्ट है लहसुन का 1 चम्मच, ये फ्रेश घर का मलाई है, ये पीस करके रखी हूँ। प्याज और दही ये बारीक पीस ली हूँ इसको। अब मेरे पास ये 8 एग है, बॉयल करके रख चुकी हूँ, इसको फ्राइड नहीं करना है। तेल मेरा गरम है, इसमें 1 चम्मच जो पेस्ट है लहसुन का उसको डालूंगी। ये मैं बिल्कुल अपने तरीके से बना रही हूँ, आप लोग भी एक बार बना करके देखिए, बहुत ही टेस्टी शानदार लगेगा। ये पेस्ट डालूंगी, दही और प्याज का पेस्ट, इसको सबको 1 से 2 मिनट ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी और इसमें 1/2 चम्मच सूखा मिर्च पाउडर, फिर इसमें नमक डाल करके 1 से 2 मिनट फ्राई करूंगी। देखिए इसका कलर कितना सुनहरा दिख रहा है। इसमें गरम मसाला डालेंगे टेस्ट के लिए, ऊपर से कोई दूसरा मसाला नहीं डालना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से है लेकिन बहुत ही लाजवाब लगता है, खा करके एक बार देखिए। अब इसमें पानी डालेंगे, 1 ग्लास डालेंगे, ज़्यादा नहीं, आप अपने थिकनेस के अनुसार देख लीजिएगा कितना रखना है। इसमें मलाई डाल देंगे पूरा, अगर घर में मलाई ना हो तो बाहर से भी आप खरीद करके रख सकते हैं। ये मलाई मैं डाली हूँ काजू और बादाम के जगह पर, मैं काजू और बादाम नहीं रखी हूँ इसलिए मैं उसको डाली हूँ। अब एग को मैं दो दो भाग में करके इसको रख रही हूँ, ऐसे इस तरीके से आराम आराम से रखिए, एक एक पीस करके सजा दीजिए। देखिए इसका ग्रेवी कितना अच्छा दिख रहा है, इस तरीके से आप भी बनाइए एक बार। ऊपर से धनिया पत्ता डाल करके देखिए बहुत ही टेस्टी दिख रहा है, इसी तरीके से आप भी बनाइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।